खाना बन चुका है, बस कन्याओं का वेट है। यहाँ मैंने आलू छोले की सब्जी बनाई है, ये मेरा हलवा है, कितना प्यारा बना है, और ये मेरी पूरियाँ, ये रखे हैं चने, ये मैंने अभी डोंगे में निकाले थे, तो इन्हें डोंगे में कर ले रही हूँ। नमक मिला दिया है, ऊपर से ना बोला कलावर बोल नहीं आ रहा, अगर नीचे आ रही हो तो। ये कट के रेडी हो गया है मेरा नारियल भी, ऐसे ऐसे पीस कर दिया मैंने, चने सब तैयार है, बस कन्याओं का वेट है, क्योंकि उनका ही मिलना थोड़ा सा कैड़ा है, तो उनके लिए मम्मी बाहर वेट कर रही है, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, भोग लगाने गई थी ना ऊपर, फिर रुद्र ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देता है ना उसके चक्कर में। चलो मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी कन्या आ चुकी थी, लेकिन 9 कन्या तो कम से कम होनी थी, तो 9 कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि आधी मेरी हमारी तरफ आ गई थी, आधियों को कोई और लेके चला गया था, तो इसलिए। और मैं और मम्मी यहाँ पर पूजन कर रहे थे, कन्या पूजन, उनके पैर धोना और टीका लगाना और कड़ावा बांधने, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। फ्रेंड से बोला वीडियो मेरा, मतलब वीडियो बना देना ब्लॉग के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कैसे बनानी कैसे नहीं, उन्होंने इस तरह से बना दी थी। फिर मैंने ढाल दी थी, क्योंकि शुरुआत मेरी यहाँ से ही हो रही थी, आधी के डाल थी, फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था, मैंने कहा कुछ कोई बात नहीं, थोड़ा इस तरह से भी आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे बनानी है कैसे नहीं। यहाँ मैंने टीका लगाई थी, छोटी छोटी कन्याएं थी, देखो बैठने का तरीका भी, पर कुछ नहीं, अच्छी लग रही थी। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं एडिटिंग कर नहीं पाई थी इसमें, तो अपना प्यार बनाए रखना फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा भी ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और आपकी सपोर्ट ऐसे ही मिलती रहे, बस यही मैं भी माँ दुर्गा से यही मांगूंगी, आप खुश रहें और मैं भी खुश रहूं यहाँ पर। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। ये देखो सबके बांध रही थी ना, छोटे छोटे बच्चे थे तो सबके बांध रही थी यहाँ पर मैं, देखना तो बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो बच्चे ने खाया भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा खाया था, मैंने कहा तभी मैं आपको पैसे वगैरह देते हैं, उसका लालच रहता है बच्चों को आज के दिन, तो मैंने तभी दूंगी जब पहले आप थोड़ा सा खा लोगे, रिटर्न कर लोगे, तभी तो मैं यही कर रही हूँ। मम्मी वहाँ पर लगा रही थी बेटे, देख सकते हो छोटी छोटी सी, ये देख, ये कितनी प्यारी प्यारी लग रही ना, अपने दिन याद आ जाते हैं जब इन्हें देखते हैं, तो हम भी कभी ऐसे ही जाते थे, वो दिन हमारे तो खैर चले गए। मैं बातें भी करती हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, वो आपको सुनाई दे जाएगा इसमें व्लॉग में। यहाँ आ चुकी है इनकी प्लेटें, ये देखो ये देखो ये देखो आप, तो थोड़ा सा बड़ी भी कन्या हमने इसलिए ली थी, क्योंकि तीनों और कन्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कन्या तो कन्या ही होती है, ये तो अपनी अपनी सोच की बात होती है ना आज के टाइम में। मैंने सबको लगा रही थी, और ये हमारा लांगुरिया था, सिर्फ एक ही था ना, बाहर मिला नहीं था, तो मैंने इसे भी बिठा दिया था। देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं, तो खाने के लिए दे रही है, मैं यह सब्जी रख रही हूँ, आप देख सकते हो, ये देखिए मम्मी नारियल रख रही है यहाँ पर, बने रहिए बस ऐसे ही आप मेरे साथ में, देखते रहिए मैंने क्या क्या करा है, जैसे भी मेरे से माँ दुर्गा ने करवाया,
वैसे ही मैंने कुछ ना कुछ करा है जो भी मेरे पे हो सका। यहाँ पूरियाँ थी और सबने खाना स्टार्ट कर दिया था तो मैं सबको रख रही थी। सबने खाना स्टार्ट कर दिया, ये खाने के लिए तैयारी ही नहीं है। बस इसे तो बोल रही थी कि मुझे पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ। मैंने कि कुछ तो खाना पड़ेगा थोड़ा सा, यही बोल रही थी मैं। देखते रहे, यहाँ मैं कन्या को खिलाऊंगी भी अपने हाथ से। क्योंकि मुझे ये चीज़ है, कुछ स्कूल में जब से पढ़ाने लगे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ भी मैं ऐसे ही प्यार करती हूँ। देखो तो ये बोल रही कि मैं अपने आप खाऊंगी, अपने आप खाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं खिला देती हूँ, नहीं नहीं खाऊंगी। तो खाने को तैयार नहीं थी। स्कूल में पढ़ती थी मेरे में तो तब मैं अपने हाथ से खिलाती थी, तब तो बोलती थी मेरे से ही खाना। आज नहीं खाना था क्योंकि आज पेट भरा हुआ था। दूसरी बहन आई नहीं थी इसकी, ये बैठी, इसको खाना नहीं आता शायद, कि छोटे छोटे हैं तो नहीं खाना आता। देखते रहिए, ये देखिए, ये देखिए बातें, इनकी बातें चल रही हैं यहाँ पर। आज के टाइम में खाना नहीं चाह खाते कोई भी, शुरुआत में तो खा लेते हैं। तो तुम बोली कि थोड़ा सा खा लो। ये देखो बैठने का तरीका देखो आप, देखिए देखिए उन्हें बनानी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं ढंग से नहीं सूट कर रहे हो। इससे तो मैं एक जगह लगा देती ना ठीक से तो भी सूट हो जाता, मैं पता ही नहीं था। उसका खाना ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने कहा मैं खिला दूँ तो बोली हाँ खिला दो, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं खिला रही हूँ। मैंने पूछा हलवा से खिला दूँ, कहीं नहीं सब्जी से खिला देना। हाँ देखो आप इशारा करा था सब्जी से खाना, ये देखो अभी सब्जी से खाना स्टार्ट करा था। मैं पूछ रही थी कैसी लग रही है सब्जी, तो कह रही अच्छी लग रही है। बस बने रहिए मेरे साथ में, सबने खाना स्टार्ट कर दिया है। और जय माता दी, थोड़ा सा लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, मेरा लेट ब्लॉग आएगा ये। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप जानते हो कि रामनवमी है, रामनवमी है तो इस वजह से हमारे यहाँ रामनवमी में कन्या जिमाते हैं। तो कन्या मेरी जिम की है, जहाँ हम जिमाते बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, मेरे यहाँ यही बोलते हैं
कन्या जमाना, तो वो मेरा हो चुका है और मैं ऊपर आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और चाय पी रही हूँ। चाय पी लो आप सभी आके, मेरी चाय रखिए। अभी काना के पास रखी थी, काना को भी विश्राम करा दिया है क्योंकि काना को भी मैंने जल्दी उठा दिया था। और जब मैं विश्राम कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं अपने काना को भी विश्राम कराऊँ, तो यहाँ मेरे काना विश्राम कर रहे हैं। ये मैं अपने पास ही रखती हूँ, जैसे मैं सीधे सादी हूँ वैसे मेरे काना है, तो ऐसे ही मैं काना को रखती हूँ। तो बने रहिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि पैरों में हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द। और ये नवाब देखो क्या करता फिर रहा, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स अब ये लिपस्टिक लगाएगा, बस इसका यही काम रह गया लिपस्टिक लगाने का। तो सुबह जल्दी उठ के बस कन्या के उसमें लगी थी ना, के खाना वाना बनाने में लगी थी, तो थोड़ी सी सफाई नहीं कर पाई थी ऊपर की। हाँ मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, बने रहिए मेरे साथ, अपने प्यार ऐसे ही देती रहिए, देखते हैं और पूरे दिन क्या क्या होता है। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी क्लिप थी क्योंकि मेरी दीदी ने भेजी थी भांजे की, तो ये दूध का रहा था भैंस का। दूध तो सभी भैंस का लेते हैं भैंस का, लेकिन ये स्पेशल है। आप यहाँ देखोगे कि ये बैठा हुआ है, बैठ के दूध का रहा है, चाहे भैंस लात मार दे कुछ भी कर दे। अभी देख रहा है कि मुझे ही देख, मेरी वीडियो बना रहे हैं। देखिए बैठ के जब दूध का रहा है ये, फ्रेंड्स कमेंट करके बताना डेसिंग के ऊपर कौन कौन ऐसे चढ़ता है तुम्हारे बच्चे, जैसे ये चढ़ता है देखो किसके ऊपर, डेसिंग के ऊपर चढ़ा बैठा है और ये इसके ऊपर गिर गया तो कितनी लगेगी पता नहीं, जो नुकसान होगा वो अलग है और खुद के लगेगी वो पता नहीं है। क्या कर रही है ये बंदा? पीछे से धुंधला इसलिए आ रहा है, इसका कैमरा साफ नहीं है, मुझे साफ करना पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक दिख रहा है ना, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सबकी सपोर्ट मुझे मिलती रहे और मेरे लिए ऐसे ही प्यार बना रहे, तो एक दिन वहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। फिर बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हो।